बिल्कुल गलत फैसला है, देश के हित में नहीं है। और हम देश के प्रधानमंत्री इसको इस तरह समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं। देश में आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो लोग जाते हैं, हमारे सोल्जर्स, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो किसी की जान लेते हैं या किसी की जान, अपनी जान दे देते हैं, और उनको आप इस तरह से ट्रीट कर रहे हैं कि चार साल क्या मतलब, क्यों चार साल भाई, किस लिए कर रहे हैं आप ये गलत फैसला है। ना उसमें ग्रेचुटी, ना उसमें डियरनेस अलाउंस। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि वन रैंक वन पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना, यहाँ पे पेंशन है। और 1 लाख से ज्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी जमीन पर, पाकिस्तान से हमको खतरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनके गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका यह काम है कि फौरन, जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस टीओडी का फैसले को वापस लेना पड़ेगा। ये देश के हित में नहीं है, ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के हित में है ये। सर, इसमें दो चीजें हैं। एक तो सरकार ने जो एज के, हमने जब 47 में आजादी हासिल की थी, हमने एक वादा लिया था, हमने वादा किया था देश के लोगों के, हम गरीबी का खात्मा करेंगे। आप कह रहे हैं कि किसे 23 साल करे, क्या कर रहे हैं आप, ये क्यों आप खेल रहे हैं हमारी देश की सुरक्षा से, आप खेल रहे हैं देश की सुरक्षा से। 4 साल के बाद सुनिए, अगर कोई एमपी होगा एक दिन का, उसको जिंदगी पर पेंशन मिलेगा, और ये 4 साल के बाद आपके 11 लाख में क्या करेगा बताइए आप, वो उसको मेडिकल नहीं मिलेगा। अरे भाई, आर्मी, हमारी देश के जो सिपाही हैं, वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, वो कोई मवाली नहीं है, खुदा ना खास्ता, एक ऑनरेबल प्रोफेशन को आप इस तरह ट्रीट कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं, जो कुछ देश में हो रहा है, उनको फौरन अपना फैसले को गलत मानकर उसको वापस लेने की जरूरत है। इसमें दो चीजें हैं, एक तो हत्याएं शुरू हो जाएंगी, और दूसरी चीज सर, देश में जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान पहुंचा, कौन जिम्मेदार है उसका? जिम्मेदार देश के प्रधानमंत्री है, उनकी सरकार है। आपके गलत फैसले की वजह से वो नौजवान बच्चे जो 2 साल से तैयारी कर रहे थे, आप उनके फ्यूचर को उनकी जवानी से खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जिम्मेदार हैं, आप मजाक बना दिए उनकी जिंदगी का, तो उनको आप मजबूर किए हैं। उसका कॉज क्या है, वो कोई सुनने वाले नहीं है। आप बड़ी बड़ी बातें कर लीजिए, वो ये देख रहा है कि मैं जिस चीज की तैयारी कर रहा था, एक तो खुदकुशी भी कर लिया बच्चा है, एक तो जान चलेगी रेलवे में फायरिंग में। तो देश के प्रधानमंत्री गलत फैसला है, उनको फैसले को वापस लेना पड़ेगा। देश के युवाओं के लिए, देश की सुरक्षा के लिए उनको ये फैसला वापस लेना पड़ेगा। सभी दर्शकों से गुजारिश है कि हमारे न्यूज चैनल सूरज की रोशनी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको अपने आसपास की सारी खबरें मिलती रहें।